आज का बैग हम एक जीन्स से बनाएंगे। ये मेरे पास एक पुरानी जीन्स पैंट है और इसका कलर बहुत अच्छा है, लेकिन साइज पहनने वाले के लिए अब ये छोटा पड़ चुका है, तो इसको मुझे काटने की इजाज़त मिल गई है। तो आज इससे एक बैग बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो मोहरी है इसको पहले हम कट करके निकाल देंगे। निकालने के बाद जहाँ से जोड़ है वहाँ से कट कर लेते हैं। इसको मोहरी काटने के बाद इसको हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसके बाद ये जो चौड़ा वाला हिस्सा है पैंट का, उस जीन्स का, उसको हम कट करके निकालेंगे। बहुत आराम से निकालेंगे, कपड़ा बर्बाद नहीं करना है। ये 8x10 का हमारे पास एक पीस हो गया, तो 8x10 के हम इसमें से 3 पीस निकालेंगे। और ये हमने 8x10 के 3 पीस निकाल लिए। अब हमें चाहिए 7x8 का 1 पीस। ये हो गया हमारे पास 7x8 का 1 पीस, और ये हो गया 8x10 का 3 पीस। ये हमको अब मिल गया 2x22 इंच। एक और निकालनी है, ये हमको मिल गई 2x22 इंच की टू। अब इसके बाद हमें चाहिए, अब यहाँ से हम 2x16 की एक पट्टी निकालेंगे। टू बाई सिक्सटीन की एक पट्टी हो गई। अब निकालेंगे हम जो बचा हुआ पीस है इसमें से। यहाँ से 1 इंच की 3 पट्टियाँ निकालेंगे, 3 पीस निकाल लेंगे इसमें से हम। ये हमारी सारी तैयारी हो गई है और अब हम बैग बनाना शुरू करेंगे। तो इसके साथ के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 8 इंच की 1 जिप, 14 इंच की 3 जिप, 4 रनर और पाइपिंग लाइनिंग। और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये 1 इंच वाली पट्टियाँ लेंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद ये जो जोड़ आया है इसको इस तरह से खोलते हुए यहाँ पर मशीन चला देंगे। जब ना हमने इसको काटी थी तो ये 18 इंच की एक थी, अब इसको हमने 3 जोड़ दिया तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हमको चाहिए इसमें से 45 इंच, तो 45 इंच रख के बाकी हम कट कर देंगे। अब जो 45 है पर हम दोनों साइड में पाइपिंग चढ़ा देंगे। ये हमने बेल्ट तैयार कर ली और अब लेंगे 8x10 इंच का एक पीस और इसमें 2.5 इंच डाउन जाएंगे और कट करके यहाँ पर 8 इंच की जिप लगा देंगे। अब इसमें एक 8x10 की लाइनिंग को पीछे से कवर कर देंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक 3 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। इसी तरह 8x10 के जो और भी पीस हैं हमारे पास उन पर भी हम निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद हमारे पास जितनी 14 इंच की जिप हैं सबको लेंगे और तीनों रनर को एक एक करके डाल देंगे। अब ये जो 2x22 इंच की पट्टी ली थी इस पर हम इसको एक 14 इंच की जिप को लेंगे और यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर एक हमने अटैच कर दी, जब दूसरी अटैच करेंगे 14 इंच और 22 इंच की पट्टी को, तो यहाँ पर जो हमने बेल्ट बनाई है
इसको भी हमें सिलना होगा। तो इस बेल्ट पर पहले हम पट्टी को रखेंगे, बेल्ट को रखेंगे और फिर जिप को रखते हुए यहाँ पर सिल देंगे। पट्टी को सीधे रखते हुए, बेल्ट को भी सीधे रखते हुए और जिप का दूसरा सिरा इसके ऊपर और इसको सिल देंगे। अब ये इसको हमने तैयार कर लिया। अब लेंगे हम 2x16 इंच की पट्टी और जिप। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे और अब हम एक एक करके पीस जोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये 7x8 इंच का पीस लेंगे। इसका यहाँ से 7 इंच पर सेंटर निकालेंगे और इधर भी सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर निकालने के बाद जिप का सेंटर लेंगे इस सेंटर को निकालने के बाद जो नीचे कपड़े का बॉर्डर आ रहा है उस पर भी हम सेंटर निकाल लेंगे। ये जो सेंटर हमने निकाला है इसके ऊपर रखते हुए सिलना शुरू करेंगे और अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पूरे चारों तरफ इसको हम पैक कर देंगे। और यहाँ पर अब एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मैंने ये जो ज़िप होती है ये पूरी 1 इंच भी नहीं होती और मैंने यहाँ पर 2 इंच की ली है। तो जब 2 इंच इसको हमने सेंटर में जोड़ा इस पट्टी के, तो ये कपड़ा हमारा यहाँ पर बढ़ रहा था क्योंकि हमने 2 इंच लिया था। तो इसको बस यहाँ से जिप को और कपड़े को बराबर लाते हुए जितना कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको मैं बाहर निकालती गई, बाकी बाद में कपड़े को मैं नीचे वाले कपड़े मेन कपड़े के साथ यहाँ मैंने बराबर कर दिया है। ये देखिए केवल इतना सा ये हमारा बैंड होके आएगा। इससे क्या होगा कि हमको नीचे थोड़ी ज़्यादा स्पेस बैग में मिलेगी। अब इसको जोड़ने के बाद एक 8x10 का पीस लेंगे और इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। ये सेंटर है और इसको हम 8 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इसका भी ऊपर की साइड में सेंटर निकाल लेंगे। ये हमारा सेंटर आ गया। एक सेंटर हमको ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब यहाँ पर ये जो हमने पीस जोड़ा था इसको लगाएंगे। अब उसको इसको लगाने से पहले क्या करेंगे, इस पर ये जो अंदर की सिलाई है इस पर हम पाइपिंग कवर कर देंगे। अब इसको तैयार करने के बाद ये जो लाइन हमने खींची थी इस सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसको जिप को सीधा रखेंगे और इसको सीधा ही सीधा पूरा बाहर की तरफ हम छोड़ देंगे। और इसमें हमने इसको इस तरह से अटैच कर दिया है। अब इसमें ये जो पॉकेट है ये तो जुड़ गई हमारी। अब इसको जोड़ने के बाद इसमें भी इसको क्लीन करके हम इसके अंदर यहाँ पर पाइपिंग चढ़ाएंगे। और इस पर भी हमने पाइपिंग चढ़ा दी और ये नीट एंड क्लीन इधर भी हो गया। इसको तैयार करने के बाद इस पीस को लेंगे हम और इसको यहाँ पर सीधा सिलेंगे इस तरह से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। यहाँ पर ये हमने सेंटर निकाला हुआ है और ये जिप का सेंटर है। तो पहले इसको यहाँ ऊपर जोड़ लेंगे, फिर बॉटम, फिर साइड में जोड़ते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और इसको हमने कुछ इस तरह से जोड़ लिया है। अब इसके बाद ये जो बेल्ट वाला पीस है इसका हमने यहाँ सेंटर निकाल लिया, ये सेंटर है। और ये जो पट्टी जोड़ी थी 2 इंच की इसका भी सेंटर निकाल लिया। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम इस जिप के ऊपर इस जिप को उल्टा रखते हुए जोड़ेंगे। तो पहले ऊपर का हिस्सा जोड़ लेंगे, फिर बॉटम जोड़ेंगे, फिर साइड में जोड़ेंगे और बहुत आराम से जोड़ना है। इसमें हमारे रनर भी पड़े हुए हैं। और इसको हमने कुछ इस तरह से तीसरा बॉर्डर भी जोड़ दिया इसका।
और बीच बीच पे यहाँ पे काफ़ी सिलवटें आई हैं, तो ये कपड़ा काफ़ी स्ट्रेचबल है। उसको हमने कुछ इस तरह से जोड़ दिया और अब इसकी भी यहाँ पे थोड़ी सी सफाई करेंगे, ट्रिमिंग, और इस पर पाइपिंग चढ़ा देंगे। और इसमें हमने इधर भी पाइपिंग चढ़ा दी। अब ये हमारा आखिरी बॉर्डर है, और जो सबसे पहले पीस हमने तैयार किया था पॉकेट वाला, ये लास्ट पीस। तो एक जहाँ से हमने शुरुआत की थी हम वहीं पर आ गए हैं, और एक एक पीस हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। अब इसको भी पूरा अंदर करेंगे वापस, बेल्ट को कोई एक पॉकेट खोल के उसके अंदर डाल देंगे, जैसे कि सिलने में दिक्कत ना हो। इसको पैक कर देंगे, अब इसको पूरा बाहर घुमा लेंगे, और अंदर रनर वगैरह है सब बहुत ध्यान से सिलना होगा। और ये आखिरी बॉर्डर है, आखिरी इस बॉर्डर में अब इस पीस को हम जोड़ेंगे। सेम उसी तरह सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, इसका सेंटर निकला है, इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं, जोड़ने के बाद पाइपिंग चढ़ा देंगे। अब सब पूरा बैग अंदर हो जाएगा और ये उलट के इस तरह से सिला जाएगा। तो अब इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं, और ये हमने इस तरह से जोड़ दिया, ये हमारा खड़ा हो गया। इसका मतलब कि सारे जितने जोड़ हैं इसके एकदम परफेक्ट बैठ गए हैं। अब इसको हम सीधा करेंगे, तो इसको हम सीधा करते हैं जिसकी सिंगल पॉकेट है, जो सबसे लास्ट में जोड़ी है यहाँ से। और ये हमारा कुछ स्लिंग बैग इस तरह से निकल आया, ये देखिए, ये इसकी बेल्ट आ गई बाहर। और इसमें हमने यहाँ पर एक पॉकेट यहाँ दे दी, एकदम नीट एंड क्लीन। फिर इसको बंद करेंगे, और काफ़ी स्पेस है, और एक पॉकेट हमने यहाँ दे दी, एकदम नीट एंड क्लीन, ये भी है। इसको बंद करेंगे, और एक पॉकेट हमने यहाँ दे दी, ये भी एकदम नीट एंड क्लीन है, और इसको भी बंद कर देते हैं। ये देखिए, तो 1, 2, 3, 4 पॉकेट हमने आज के स्लिंग बैग में दे दी हैं, और सब काफ़ी गहरी, बड़ी, नीट एंड क्लीन है, और कंफर्टेबल हमारी ये बेल्ट है। तो इस तरह से हमने जीन्स में से एक स्लिंग बैग निकाल लिया। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।